अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है। कौन बनेगा चैम्पियन में? आज हम आपसे सवालात करने वाले हैं, इस्लामिक सवालात, जिसके जवाब आपको देना है। कल भी किए थे, कल कम लोग ज्वाइन हुए थे, इसलिए आज 2 बजे करे किए हैं। तो इसमें हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, इस्लामिक सवालात, जिसके जवाब आप लोगों को देना है। तो कुछ लोगों को अभी और ज्वाइन होने देते हैं, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अभी जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा शेयर कर दें अपने फैमिली वालों से, दोस्तों से। तो आज हम आपसे जो सवालात करने वाले हैं उसके जवाब आप लोगों को देना है, और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए लाइव को, और अपने फैमिली और दोस्तों को बताइए। अभी 2 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके बता दे तो ठीक होगा। आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? आवाज़ आ रही है क्या आपको? तो चलिए हम सवालात करते हैं जिसके आपको जवाब देना है। तो कल भी हमने कुछ सवालात किए थे, कम लोग ज्वाइन हुए थे इसलिए कल कम टाइम किए। अभी भी एक ही शख्स दिखाई दे रहा है ज्वाइन हुआ। तो आपका आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं बता सकते प्लीज़? आ रही है आवाज़ आपको? आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा शेयर कर दें ताकि लोग ज़्यादा ज्वाइन हो चुके हो सकें और हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। जो भी लोग देख रहे हैं आपसे गुजारिश है कि थोड़ा शेयर कर दें। मैं भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। चलिए हम शुरू कर देते हैं। अभी तो कोई ज्वाइन नहीं हुए, तब भी शुरू कर देते हैं सवालात और जवाबात। तो एक शख्स आ चुके हैं।
आपका आवाज़ आ रही है नहीं इतना बता दे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स है माइक में। आवाज़ आ रही है या नहीं थोड़ा कमेंट करके बता दे तो बेहतर होगा। तो आपका पहला सवाल ये रहा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी, शुक्रिया उमर फैसल, आवाज़ आ रही है बताने के लिए, थोड़ा शेयर कर दे तो मेहरबानी होगी। तो आपका पहला सवाल ये रहा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला किस मशहूर सहाबी की बहन थे? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, बी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, सी उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, डी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस मशहूर सहाबी की बहन थे? ये आपके सवाल है और ये आपके ऑप्शंस है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आपके ऑप्शन है, तो इसका जवाब ये है कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। ऑप्शन ए इंशाल्लाह, नहीं भाई अभी ए नहीं, ऑप्शन बी है, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्हों की बहन थी, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, कुरान मजीद में किन नबी अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम और मसीह के नाम से भी पुकारा गया है? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, बी मूसा अलैहिस्सलाम को, सी हज़रत यहीया अलैहिस्सलाम को, डी ज़करिया अलैहिस्सलाम को। सवाल सुनाई दिया आप लोगों को, कुरान मजीद में किन नबी अलैहिस्सलाम को इब्न मरियम और मसीह के नाम से पुकारा गया है? आपके ऑप्शंस ये है, ए ईसा अलैहिस्सलाम को, बी मूसा अलैहिस्सलाम को, सी यहया अलैहिस्सलाम को, डी ज़करिया अलैहिस्सलाम को। उमर फैसल का आया है ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन ए है उसका, ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को सही। सिराज अहमद भाई का ऑप्शन सही है, ईसा अलैहिस्सलाम को इब्न मसीह से पुकारा गया है। आप लोगों से सिराज भाई और उमर फैसल से गुजारिश है कि थोड़ा शेयर कर दें अपने दोस्तों फैमिली वालों से, ताकि वो भी लोग ज्वाइन हो सके और वीडियो को देख सके। ईसा अलैहिस्सलाम, सिराज अहमद भाई जी। तीसरा सवाल ये रहा आपका कि सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? जी सवाल फिर से दोहराता हूँ मैं, सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए 15वीं आयत में, बी 5वीं आयत में, सी 31वीं आयत में, डी 28वीं आयत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अहज़ाब की कौन से आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है? ए 15वीं, बी 5वीं, सी 31वीं, डी 28वीं आयत में। सूरह अहज़ाब में कौन सी आयत में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है। आपके ऑप्शंस ये है, ए 15वीं आयत में, बी 5वीं आयत में, सी 31वीं आयत में, डी 28वीं आयत में। आपके जवाब का इंतज़ार है। आ रही है आपको आवाज? पांचवी आयत में सिराज अहमद भाई का आया है, नहीं सॉरी 28वीं आयत में आया है। सूरह अहज़ाब में 28वीं आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए उम्दा नमूना करार दिया गया है। समीर भाई भी ज्वाइन हो चुके हैं 15वीं आयत में, नहीं 28वीं आयत में। आप लोगों से एक गुजारिश है कि थोड़ा शेयर कर दे तो बेहतर होगा, कि आपके फैमिली या दोस्तों वाले भी ज्वाइन हो जाएंगे। अभी हमारे 3 सवाल हो गए और जवाब भी हो गए हैं। जी भाई शेयर किया जी, जजाक अल्लाह सिराज भाई शेयर करने के लिए। हाँ, आपका अगला और चौथा सवाल ये रहा, उन पैगंबर का नाम बताएं जो अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते नाबीना हो गए थे। अच्छा, आवाज़ ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा समीर भाई। तो अगला सवाल आपका ये रहा कि उन पैगंबर का नाम बताएं जो अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते नाबीना हो गए थे। आपके ऑप्शंस ये रहे, ए याकूब अलैहिस्सलाम, बी लूत अलैहिस्सलाम, सी हारून अलैहिस्सलाम, डी शुएब अलैहिस्सलाम। उन पैगंबर का नाम बताए जो अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते नाबीना हो गए थे। ए याकूब अलैहिस्सलाम, बी लूत अलैहिस्सलाम, सी हारून अलैहिस्सलाम, डी शुएब अलैहिस्सलाम। एक मरतबा और दोहरा देता हूँ सवाल, उन पैगंबर का नाम बताएं जो अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते नाबीना हो गए थे। आपके ऑप्शंस ये है, ए याकूब अलैहिस्सलाम, बी लूत अलैहिस्सलाम, सी हारून अलैहिस्सलाम, डी शुएब अलैहिस्सलाम। जी दोस्त, जवाब आता है फैसल भाई और समीर भाई की तरफ से, ए बिल्कुल सही जवाब है। सिराज अहमद भाई का भी जवाब आया है बी, लेकिन ए सही जवाब है। याकूब अलैहिस्सलाम का वाक्य है कि जब उनके बेटे को उनसे जुदा हो गए थे तो वो रोते रोते नाबीना हो गए। याकूब इस्लाम बिल्कुल सही जवाब है। दो लोगों ने, समीर भाई और फैसल भाई ने सही जवाब दिए हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे। ए 6 अजाब, बी 7 अजाब, सी 8 अजाब, डी 9 अजाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे। ए 6 अजाब, बी 7 अजाब, सी 8 अजाब, डी 9 अजाब। आवाज आ रही है आपको? जी सिराज अहमद भाई का आया है कि 6 अजाब।
और कोई भाई जानता है? सवाल एक मरतबा और दोहरा देता हूँ मैं। उमर फैसल भाई का भी आया है 6 अजाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? ए 6 अजाब, बी 7 अजाब, सी 8 अजाब, डी 9 अजाब। इसका जवाब है डी 9 अजाब आए थे फिरौन और उसकी कौम पर। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? आपके ऑप्शंस ये हैं, ए चील से, बी कौवे से, सी मोर से, डी कबूतर से। पहली मर्तबा कत्ल, आवाज़ आ रही है। अच्छा, पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? ए चील से, बी कौवे से, सी मोर से, डी कबूतर से। आपके जवाब का इंतज़ार है। एक मर्तबा और दोहरा देता हूँ सवाल को कि पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए चील से, बी कौवे से, सी मोर से, डी कबूतर से। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब्दुल्ला तहाम भाई ज्वाइन हो चुके हैं। कौवे से, कराओ। सही, बिल्कुल सही जवाब है। कौवे से सीखे थे पहली मर्तबा जब कत्ल हुआ था आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से, तो उनके भाई का कत्ल हुआ था तब। ये तरीका कौवे से सीखे थे। बी सही जवाब है, कौवे से। अगला सवाल आपके लिए ये है। अबू जहल किस गजवे में हिलाक हुआ था? बी उमर फैसल भाई का भी जवाब बिल्कुल सही है। बी कौवे से सीखे थे तरीका। अगला सवाल ये है आपके लिए कि अबू जहल किस गजवे में हिलाक हुआ था? आपके ऑप्शंस ये है, ए गजवे बद्र में, बी गजवे अहद में, सी गजवे खैबर में, डी गजवे खंदक में। अबू जहल किस गजवे में हिलाक हुआ था? फिर से एक मरतबा दोहरा देता हूँ सवाल। अबू जहल किस गजवे में हिलाक हुआ था? ए गजवे बद्र में, बी गजवे अहद में, सी गजवे खैबर में, डी गजवाए खंदक में। तीन लोग ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। थोड़ा शेयर कर दे तो मेहरबानी होंगी। तहम भाई, अबू जहल किस गजवे में हिलाक हुआ था? ए गजवे बद्र में, बी गजवे अहद में, सी गजवे खैबर में, डी गजवे खंदक में।
एक गजवाए बद्र में हिलाक हुआ था, अबू जहल। बी सिराज भाई का आया है, बी नहीं, ए सही जवाब है उसका, गजवाए बद्र में हिलाक हुआ था अबू जहल। अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं और कोई ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह फिर हम डेली इंशाल्लाह इस तरह से सवाल जवाब करेंगे। अगर ज़्यादा लोग रहे तो ज़्यादा मज़ा आते। तो आपसे एक और गुजारिश है कि कल इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए और कल जो 2 बजे ज्वाइन होने के लिए कहिए। इंशाल्लाह हम डेली ही ऐसे सवालात और जवाबात करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।